आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लहसुन भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार, आइए देख लेते हैं निम्बाड़ा में जो किसान भाई हैं उनको खाद के लिए कितना क्या करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। जब किसान की उपज का भाव बढ़ जाता है तो किसान के जो मीडिया वाले हैं बहुत ही दिखाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है किसान की, मेन प्रॉब्लम है, और जो जिसके लिए खाद के लिए उनको कितना लाइन में लग के और कितना नंबर लगा के खाद लेना पड़ रहा है, तो देखते हैं किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इतनी लाइन लगी हुई है और निम्बाड़ा में, और खाद के लिए जो यूरिया खाद इनकी आवश्यकता है अभी फसल की, तो उसके लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लग कर के यूरिया लेना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा ही इस वीडियो के मार्फत से बताऊं और किसानों की समस्याएं कितनी बड़ी समस्या है यूरिया की, कि उनको समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए किसान भाइयों कि निम्बाड़ा में इस प्रकार से बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई है और इनको यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा है। आइए कुछ किसान भाइयों से बात करते हैं अपन। आप देख सकते हैं निम्बाड़ा में पूरी लाइन लगी हुई है यूरिया खाद के लिए, तो यूरिया खाद की आवश्यकता है किसान भाइयों की जो है वो मांग पूरी नहीं हो पा रही है और इनको लाइन में लगना पड़ रहा है। नमस्कार सर, कितना लाइन में लगना पड़ रहा है आपको? एक घंटा हो गया लाइन में खड़ा। एक घंटा हो गया, अभी तक खाद नहीं मिला? अभी तक खाद नहीं मिला है। तो खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है? नहीं है, जगह जगह भटकना पड़ रहा है, उसके बाद खाद मिल रहा है। यहाँ भी एक घंटा हो गया। किसान भाई क्या कह रहे हैं? किसान भाई क्या कह रहे हैं कि इनको भटकना पड़ रहा है और कितना लाइन में लगना पड़ रहा है, लाइन में लगने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कितना खाद उपलब्ध करा रहे हैं आपको? एक रसीद पर 3 कट्टे दे रहे हैं। एक रसीद पर 3 कट्टे ही दे रहे हैं, सिर्फ 3 कट्टे। और इनको किस किसानों को, जो बड़े किसान हैं उनको ज़्यादा खाद की आवश्यकता भी है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है खाद के लिए। और आप कहाँ से आए भैया? सरले गांव से। सरले गांव से खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, केवल एक एक कट्टा दे रहे हैं। एक एक कट्टा ही दे रहे हैं? हाँ। आप कहाँ से आए? मर्जी। मर्जी से खाद की आवश्यकता है आपको? हाँ। कितने कट्टे की आवश्यकता है? 5 कट्टे की आवश्यकता। 5 कट्टे की आवश्यकता है इनको, देखिए। और एक एक कट्टे इनको मिल रहा है और लाइन में लगना पड़ा है। बहुत ही बड़ी लाइन है, आप देख सकते हो लाइन कितनी लंबी है, और यूरिया खाद के लिए इनको लाइन में लगना पड़ रहा है। ये पूरी लाइन है आप जो देख रहे हैं, और निम्बाड़ा में पूरे ही जो लाइन में आपको बता देता हूँ। और एक खाद की जो ट्रक आई हुई है यूरिया नीम कोटेक, उसके लिए इनको आवश्यकता है। तो किसानों की बहुत ही बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये सारे लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगने के बाद भी इनको खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपको मेरी रिपोर्ट अच्छी लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।